हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सरफ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर कोई बैटरी है, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी जो कि ट्यूबलर बैटरी कितना भी एम्पेयर का हो सकता है, तो मैंने अज्यूम किया कि 150 एम्पेयर का कोई बैटरी है जो कि 5 साल वारंटी का मेरे पास है या किसी के पास भी है, और सेम ऐसा ही बैटरी सोलर बैटरी है जो कि 150 एम्पेयर का बैटरी है, सोलर बैटरी है और वो भी ट्यूबलर बैटरी है, और ये बैटरी भी 5 साल वारंटी का मार्केट में अवेलेबल या फिर मेरे पास है। तो दो तरह का बैटरी है, एक सोलर बैटरी, दूसरा नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी, सब कुछ सेम है। तो क्या दोनों में बैकअप में क्या फ़र्क हो सकता है, या फिर बैकअप क्या दोनों का अलग अलग होगा? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है एक संतोष जी ने, हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो इन्होंने पूछा है। तो मैं सोचा कि इसका मैं एक वीडियो बना के डिटेल्स में इसका आंसर दूँ। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें दोनों बैटरी को पहले समझना होगा, सोलर बैटरी क्या है और नॉर्मल बैटरी क्या है। तो नॉर्मल बैटरी जो है वो C20 रेटिंग का मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि आपको नॉर्मल बैटरी जो है वो C10, C5 में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अमूमन जो है जनरली अगर बात करें तो सोलर नॉर्मल बैटरी C20 रेटिंग के ही मार्केट में आपको मिलेंगे। अब C20 रेटिंग का बैटरी है तो इसका मतलब वो बैटरी कितने एम्पेयर से चार्जिंग और कितने एम्पेयर से डिस्चार्जिंग होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 150 में डिवाइड कर लेना है C20 से डिवाइड करना है, तो कितना आ रहा है, साढ़े सात आ रहा है। तो 7.5 एम्पेयर से हम क्या कर सकते हैं, इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और 7.5 एम्पेयर से हम इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये एम्पेयर जो है ये मैक्सिमम एम्पेयर है, मतलब इतना एम्पेयर का हम लोड दे सकते हैं इस नॉर्मल बैटरी पे, हम ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप ऐसा कर भी सकते हो कि आप 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर भी आप लोड दे सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, बैटरी का लाइफ आपका कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स ही मुझे बोले हैं, मतलब कमेंट मैंने देखा है उनका, कि वो ये बोले हैं कि अगर नॉर्मल बैटरी है तो उसमें हम 15 एम्पेयर 20 एम्पेयर भी लोड दे देते हैं तो वो काम करता है। तो काम करेगा, मैंने कभी मना नहीं किया कि काम नहीं करेगा। तो होगा क्या, आपने जो 7.5 एम्पेयर मैक्सिमम था आपने लोड उसका ज़्यादा दे दिया, तो क्या होगा, उसका बैकअप टाइम जो आपका लाइफ उसका अगर 5 साल चलने वाला है तो वो 5 साल नहीं चलेगा, 4 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 3.5 साल चलेगा, क्योंकि उसका जो सेल है वो सेल डेड होने लगता है। आप जितना ज़्यादा लोड दोगे उतना ज़्यादा वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो उसका सेल फिर डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो बैक जितना चाहिए करंट उतना तो मिल जाएगा, लेकिन आपको फ़र्क कहाँ दिखेगा, फ़र्क दिखेगा उसका लाइफ साइकिल में, मतलब लाइफ में उसका लाइफ जो है वो टाइम पीरियड वो कम हो जाएगा। अगर बात करें यही सोलर बैटरी में, या तो नॉर्मल बैटरी का था, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी का था, अब बात करें अगर सोलर बैटरी में, तो सोलर बैटरी जो है वो मार्केट में सिर्फ C10 रेटिंग का ही मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी कंपनी का सोलर बैटरी लोगे तो आपको C10 रेटिंग का ही मिलेगा। अब सोई C10 रेटिंग का सोलर बैटरी है, तो ये बैटरी अगर 150 एम्पेयर का है तो हम कितने एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं और कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं? तो सिंपली क्या करना होगा, 150 में डिवाइड करो 10 से, तो कितना आ रहा है, 15। तो 15 एम्पेयर से आप इसको चार्ज कर सकते हो और 15 एम्पेयर से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम लोड है ये, मतलब इससे ज़्यादा लोड आपको नहीं देना है, मतलब ना चार्जिंग के लिए ज़्यादा एम्पेयर देना है ना डिस्चार्जिंग के लिए ज़्यादा एम्पेयर लेना है। तो ये आप समझ गए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सोलर बैटरी जो है वो 15 एम्पेयर से चार्ज और डिस्चार्ज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही कि सन जो है मैक्सिमम अगर एवरेज निकाला जाए तो मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो 8 से 10 घंटे ही सन रहते हैं जिसका हमें एनर्जी मिलता है। तो 10 घंटे में ही क्या करना होगा, हमें बैटरी को चार्ज करना होगा, इसीलिए C10 रेटिंग का बनाया जाता है। चाहे वो 200 एम्पेयर का बैटरी हो, 250 एम्पेयर का बैटरी हो, 100 एम्पेयर का बैटरी हो, कितना भी एम्पेयर का बैटरी हो, तो उसको 10 घंटे में ही चार्ज करना होगा। अगर मान लो 200 एम्पेयर का बैटरी है तो क्या करना होगा, सिंपली हमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक घंटे में 20 एम्पेयर। तो 20 एम्पेयर से हम उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकते हैं, मतलब बैटरी का एम्पेयर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एम्पेयर से हम उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 150 एम्पेयर का अगर बैटरी है तो उसको हम 15 एम्पेयर से चार्ज और 15 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है दोनों बैटरी को, ठीक है, एक बैटरी को 7.5 एम्पेयर से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकते हैं जो कि नॉर्मल बैटरी था, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी, दूसरा जो सोलर बैटरी था उसको 15 एम्पेयर से चार्जिंग और 15 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग कर सकते हैं। अब बात आता है बैकअप टाइम, जो हमने मेन मुद्दा था, हमारा मेन टॉपिक था कि बैकअप कौन ज़्यादा देगा।
तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बोतल है, मतलब इतना बड़ा बोतल है, कोई ठंडे का बोतल या कोई भी चीज़ का बोतल है, तो सेम साइज का बोतल है, किसी बोतल से हम स्ट्रॉ मतलब पाइप लगा के पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, और कोई बोतल से हम डायरेक्टली बोतल से डाल रहे हैं या बोतल से पी रहे हैं, जल्दी कौन खाली होगा? जिससे हम डायरेक्ट पी रहे हैं, बोतल से जो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। पाइप में क्या है कि कम निकलेगा, तो कम निकलेगा तो लंबा टाइम कौन चलेगा? जो पाइप से पी रहे हैं। तो वही फंडा है बैटरी के साथ। अब बैटरी 150 एम्पीयर का ये भी है और 150 एम्पीयर का ये भी है, मतलब दोनों का कैपेसिटी सेम है। अब नॉर्मल बैटरी में क्या था कि हम कम चार्ज डिस्चार्ज कर रहे थे, मतलब सिर्फ 7.5 एम्पीयर से ईच घंटे, मतलब एक घंटे में सिर्फ 7.5 एम्पीयर ले रहे हैं और इससे एक घंटे में 15 एम्पीयर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है जो 15 एम्पीयर ले रहे हैं तो वो कम टाइम चलेगा, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम लोड कितना दे रहे हैं? 15 एम्पीयर। इसका मैक्सिमम लोड कितना दे रहे हैं? 7.5 एम्पीयर। जाहिर सी बात है लोड कम तो टाइम इसका बढ़ जाएगा। अगर यही चीज़ हम दोनों बैटरी में करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 7.5 एम्पीयर का मैक्सिमम लोड दिया ना, तो सोलर बैटरी में भी 7.5 एम्पीयर का अगर मैक्सिमम लोड दूँ मैं, 15 एम्पीयर का ना दूँ, तो ये भी उतना ही टाइम बैकअप देगा जितना टाइम बैकअप आपका नॉर्मल बैटरी दे रहा है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम लोड रहेगा तो। अगर लोड का डिफरेंस रहेगा, और डिफरेंस मैंने बता दिया कब होगा, क्योंकि सोलर बैटरी में हम ज़्यादा लोड दे सकते हैं लेकिन नॉर्मल बैटरी में ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं, ना चार्जिंग में ना डिस्चार्जिंग में। अगर हम लोड सेम रखते हैं तो बैकअप जो है दोनों का सेम मिलेगा, चाहे वो नॉर्मल बैटरी हो या फिर सोलर बैटरी हो। तो आपको आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि बैकअप कौन ज़्यादा देगा कौन कम देगा। तो ऐसा कोई फंडा नहीं है, दोनों बैटरी सेम बैकअप देता है। ये डिपेंड करता है लोड पे कि आप किस बैटरी में कितना लोड दिए हो। तो अब भी आपका कुछ डाउट है, किसी भी लोगों का अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, देन आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ऐसा ही मैंने एक टॉपिक एक कमेंट देख के मैंने उसका वीडियो आज बनाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।